चिलम को क्या सीन हो भाई? अपने घर पे तो भाई ओहो अभी पेल देता हूँ अभी बहुत ज्यादा कॉम है तो भाई जा रहे सर्विस कराने गाड़ी की। गाड़ी चल गई अपनी 40,000 वाली सर्विस है टाइम ना पूरा शाम को आएंगे वापस। ना तो जल्दी आना है एक्सरसाइज करके। अब जल्दी कैसे आ जाए यार बता। भाई इसमें कई का मतलब दिक्कत आ रही बहुत गाड़ी में ना। एक तो ये कंडक्टर साइड का गियर ना दरवाजा ना गियर वेट सब ठीक है ओके दरवाजा छोरन खराब कर दिए। और भाई इसमें आगे भी मतलब दिक्कत आ रही कुछ आवाज आती गड़गड़ वो तो सब वारंटी में भाई तुरंत ही देखना यार ब्लॉग डल नहीं पा रहे क्या करे भाई बस क्या ही बताया आपको ना। मैं उठता ही लेट हूँ ना 12-1 बजे तो उठता हूँ फिर नहाना धोना वही शाम हो जाती फिर ब्लॉग कैसे बने ये बताऊँ भाई। हमारी गैंग ऐसी है ना रात को 1-2 बजे तक तो ताश खिलाती है हमको जुआ कैड पट के जुआ। एक तो ये रहा भाई मैं खेल लेता हमारे साथ सीन हो गया। सीन क्या है बताना है। भाई खटोला पहुंच गए होते हमने लोकेशन मंगाई मैडम से महेंद्रा की मैडम जी एक बार वर्कशॉप की लोकेशन भेज दो मैडम लोकेशन भेज दी हम लोकेशन पे स्टार्ट करके लोकेशन चलते रहे तो हमने हमें लोकेशन ने कहाँ पे लिखाड़ा पता अपना HR 26 ढाबा इधर वापसी फाजलपुर चौक पे खटोला से वापसी लिया है। हमने भाई रास्ता देखा अपने तो पीछे दोनों तरफ मंडी वगैरह सी चलो कहीं तो लिख ले गई ठीक चल रहे हैं भाई। यहाँ पे आप आके देखा ना कि फ्लाईओवर मगे तो हम तो वापसी अपने यहीं पे आके तो भाई हमने लोकेशन करी बंद मगर नहीं जाना उधर अब जा रहे अपने उल्लावास वाले महेंद्र वर्कशॉप वहाँ पे सर्विस कराएंगे अपने वे चलते आधा घंटा तो ऐसे वेस्ट हो गया हमारा है पूरा आधा घंटा भाई खराब हो गया। काम चल रहा है गाड़ी में भाई बहुत काम होना ये रबड़ है ये डलनी है दोनों साइड की और ये भी चेंज होगा ये भी। कितना टाइम लगा एक भाई? ज़्यादा टाइम नहीं लगा 1 घंटा। हाँ वॉशिंग भी होगी ना? वॉशिंग भी होगी क्या? कोई नहीं कोई पर काम में एक नंबर करना दोस्त ठीक है ना। हाँ ये समझ ली तेरी गाड़ी ठीक है ना बिल्कुल। और क्या दिक्कत है इसमें और क्या करवा ये एक लाइट हाँ चिलम का क्या सीन हो भाई? खराब है चिलम का क्या सीन हो बता तो भाई लेट आया भाई उल्लावास और घर तो चिलम लेके आया देखो भाई चिलम पी तो आ रहा है तो भैया अभी जा रहे हैं हम गुड़गांव दूध लेके दूध जाएगा भैया आज फॉर्च्यूनर में पापा ने बोल दिया। मैं बोले पापा बोलेरो तो कल आएगी मैं स्कॉर्पियो ले जाता हूँ पापा बोले नहीं स्कॉर्पियो नहीं फॉर्च्यूनर ले जा मगर ठीक है फॉर्च्यूनर ले चलते आज दूध ना बैग लगा देते एक बार अभी सेट करते हैं पहले
दूध तो नहीं बिखर जाएगा जिसमें एट वेट पे अंदर गाड़ी में स्मेल हो जाएगी, तो उसके लिए अभी सिस्टम बैठाते हैं, फिर अभी दिखाते भाई आपको। सिस्टम बैठ गया फिट, नीचे कट्टा लगा दिया, देखो अब कोई दिक्कत नहीं है, दूध रख दिया, कर देते बंद, फिर चलते हैं। ये देखो भाई, ओके बाय बाय। तो भाई इसकी मुझे अब 2-3 दिन के अंदर, मतलब कभी भी टाइम मिल गया तो इसकी डिटेलिंग, रबिंग, कोटिंग वगैरह सब करानी है एकदम फिट। कल बलेरो आ जाएगी सर्विस पे, तो फिर उसकी भी करानी है। तो भाई चलते अभी, तो भाई चलते अब, टाइम हो गया 7:30। डीजल गाड़ी, डीजल भाई बहुत कोई दिक्कत नहीं, सुबह डला लेंगे, और सुबह भी जाना भाई इसी में दूध, क्या गाड़ी तो कल दोपहर में ही आएगी 12-1 बजे तक, कल डला देंगे, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। अपन निकल ली घर के लिए, दूधदार सब बांट दिया, कंप्लीट हो गया काम। अभी और घर जाके नहा के, पर मुझे भाई तिगरा और जाना, कॉप हो जाना, उधर भी हाजिरी लगानी जरूरी है, तो भाई हाजिरी लगाएंगे जरूर। टाइम वैसे से 9:10 हो गए, जाके नहा के फिर चलते, वही टाइम 9:30-10 बज जाएंगे भाई जाते जाते, पर चलो कोई नहीं, टाइम के देखे जाएगी, पर जाना भी जरूरी भाई, तो चलते भाई। रेडी अब चल दिए, रास्ते में बस पहुंचने वाले, बोल रहा था भाई वो टाइम तो 10 ही बजने, बस 10-15 मिनट पहुंचते पहुंचते वही 10 बज जाएंगे। भाई कॉल भी आ ली, पर भाई कहाँ रह गए, मैं भाई आ रहा हूँ गुड़गांव चला गया था इसलिए लेट हो गया, बस पहुंचने वाला भाई, वे भी बोलेंगे ये क्या टाइम है यार भाई 10 बज रहे, बोलेगा तो कौन, पर ऐसे मन में सब करते यार 10 बजे आ रहा है, चल भाई किसी टाइम पहुंचो भाई, हाजिरी लगानी जरूरी है भाई। चल बस पहुंचने वाले, वो भी वापसी में 11-12 बजने, चलो कोई नहीं, फिर भी क्या जल्दी सोते, वो भी 2-1-2 बजे सोते, फिर भी कोई नो टेंशन। तो भाई ब्लॉग का यहीं पे ख़त्म करते, वैसे टाइम हो गए 1 बज गए भाई, 1 बज गया, गेट भी खुले हुए हैं भाई। तो भाई ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, ओके भाई।